हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8 की असेसमेंट नंबर बच्चों 1 करेंगे। असेसमेंट का सब्जेक्ट है बच्चों आपका सामाजिक विज्ञान और डेट आप लिखेंगे इस असेसमेंट की 17 अगस्त 2021। असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप बच्चे से मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की असेसमेंट। तो आज के असेसमेंट में बच्चों 10 मार्क्स का है, तो इसमें आपको सबको 10 मार्क्स लेने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं आप सब क्या करेंगे, सारी क्वेश्चन को खुद से करके देखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर जो आंसर मैं दूँगी उसके साथ आप अपने आंसर को मैच कर ले, फिर मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे थे। जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक है उसको आप करेक्ट करके अपनी टीचर से चेक कराएंगे। तो देखते हैं असेसमेंट नंबर 1 SST का। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरुष व्यापार का एकाधिकार चार्टर किसे प्राप्त किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो बच्चों पुरुष से व्यापार करने का अधिकार किसे प्राप्त किया था बच्चों, ये किया था उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सी, सी मतलब महारानी एलिजाबेथ से। ठीक है, तो ये आप इसका सी कर देंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहली फैक्ट्री जो थी कब स्थापित की थी बच्चों, 1651 में। तो इसका आंसर आप कर देंगे 1651। साथ के साथ इसके सामने जो ये है इसको आप भरते जाएंगे। नेक्स्ट है सी। थर्ड क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध बच्चों रॉबर्ट क्लाइव और सराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो थर्ड का आप आंसर कर देंगे ए। ठीक है, तो आपका आंसर भी 3 क्वेश्चन हो गया आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो कौन से युद्ध के बाद मिले थे बच्चों, ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो इसका आंसर आप करेंगे बी। नेक्स्ट है, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, आपको सबको याद होगा पेशवा कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे फिफ्थ का सी, पेशवा बच्चों। नेक्स्ट है, हड़प की नीति किसने तैयार की थी। हड़प की नीति बच्चों की थी लॉर्ड डलहौजी, जिसके द्वारा क्या था कि कोई भी राज्य जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं है तो उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। तो ये किसने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों। तो सिक्स आंसर आप कर देंगे डी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए। हम 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 to 10 में दो वक्तव्य है जिनमें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है नीचे दिए गए हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दे के गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो इसमें 7th क्वेश्चन में आपके पास क्या कथन होगा, एक बच्चों इसका कारण होगा। कथन मतलब जो कह रहा है और उसका क्या कारण है, वो आपका आर हो जाएगा। तो विकल्प क्या आपके पास ए है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर तथा कारण ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या बच्चों, ए दिया हुआ आपको भी, अगर जो ए और आर दे है, जैसे आर जो है अगर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो इसके लिए हम ऑप्शन लगाएंगे ए। सेकंड हमारे पास बी, बी ऑप्शन क्या होगा, कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो उसमें हम लगाएंगे बी। सी ऑप्शन हमारे पास, कथन ए सही है जबकि कारण बी गलत है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे सी ऑप्शन। और डी होगा हमारा, कथन ए भी गलत है और जबकि कारण आर भी आर सही है, तो आर सही हो और कथन ए गलत हो, तो उसमें हम लगाएंगे डी। तो देखते हैं बच्चों क्यों 1 by 1 क्वेश्चन। फर्स्ट है 7th क्वेश्चन, कारण कथन है हमारे पास, भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। ठीक है, तो ये क्या हमारा बच्चों सच्ची बात है, ये बहुत लाभ कमाया था। आर है कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये बात सच्ची है कि उनको एक अधिकार प्राप्त था इसलिए उन्होंने बहुत लाभ कमाया। तो जितना चाहे वो पैसा लगाते थे किसी भी सामान का, तो इसी कारण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था। तो इसका आंसर आप करेंगे ए, क्योंकि कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट 8th, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। ये बात ठीक है, हाँ उन्होंने किया था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी, ये गलत है। तो कोलकाता में फैक्ट्री स्टार्ट की थी इस वजह से मुर्शिद अली खान ने उनका विरोध नहीं किया था बच्चों। वैसे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम करेंगे बच्चों 8th का बी बच्चों। ठीक है, 8th का बी। नेक्स्ट है आपका 9th एंड 10th क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्रित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब
बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली थी। तो ये आपका गलत है और ये आपका ठीक है। तो नाइन्थ का आप करेंगे बच्चे सी आंसर, ठीक है। तो जब हमारे पास पहला कथन सही हो और कारण आर गलत है तो इसमें हम लगाते सी। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे। ये बात ठीक है क्योंकि उत्तर पश्चिमी में उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद था कारण क्या है, अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था, तो ये बात गलत है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो टेंथ का आप कर देंगे बच्चों सी और नाइन्थ का भी आप कर देंगे सी बच्चों, ठीक है। और एट्थ का बी, नाइन्थ और सेवन्थ का ए, तो ठीक है। तो ए बी सी सी, तो ये आपके सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ के क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका असेसमेंट बच्चों का कंप्लीट होता है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर ले, टीचर से चेक करा ले और सबके मेरे बच्चों के 10 of 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आने चाहिए बच्चों। तो आप और साथ के साथ आपको वेरी गुड भी मिलना चाहिए ताकि आप क्योंकि आप अगर टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो आपके टीचर आपको वेरी गुड जरूर देगी। तो असेसमेंट कंप्लीट करें बच्चों। अगर ये वीडियो आपको समझ में अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चा मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।